और अभी आपको बताएं बिजली सार्फिन को ओवर बिलिंग के मामले पर नेपरा में केस की समाप्त हुई। मुख्तलिफ बिजली तकसीम कार कंपनियों के हुकाम समाप्त में शरीक हुए। सीईओ मैपको ने सार्फिन को ओवर बिलिंग का एतराफ कर लिया। सीईओ मैपको के मुताबिक ईद उल फितर और मुहर्रम उल हराम की छुट्टियों के 22 मई में 37 दिन की बिलिंग हुई। चेयरमैन नेपरा के मुताबिक दिन बढ़ते बढ़ने से सार्फिन की सेल्स तब्दील हुई। सवाल किया गया कि सार्फिन को इजाफी वसूलियां वापस क्यों नहीं की गई। सीईओ मैपको ने जवाब दिया कि अगले माह में बिजली के बिल 26 दिन के भेजे गए थे। इस्लामाबाद ईओ मैपको ने ओवर बिलिंग का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सीईओ लेस्को ने मौके इख्तियार किया कि ज्यादा दिन की बिलिंग हुई है लेकिन ओवर बिलिंग नहीं कह सकते। चेयरमैन नेपरा के सवाल के दौरान सीईओ लेस्को की बार बार बोलने की कोशिश। चेयरमैन नेपरा ने अथॉरिटी के जवाब मुस्तरद करते हुए कहा कि जब बिजली के सार्फिन नुकसान का इजाला किया जाए और अगर कोई गफलत बरती गई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मजीद खबर और अपडेट के लिए देखते रहें कैनल न्यूज़ लाइव।